हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होली स्पेशल ठंडाई की रेसिपी। होली आ रही है तो आप ये ठंडाई ज़रूर ट्राई करें, इस ठंडाई की रेसिपी को। ठंडाई हमारे शरीर को बहुत एनर्जी देती है और बहुत ठंडक प्रदान करती है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं इस होली पर। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक पैन में आधा कप बादाम लिए हैं, आधा कप काजू लिए हैं और आधा कप मैंने खरबूज के बीज लिए हैं। यदि आपके पास खरबूज के नहीं तो आप तरबूज के भी बीज ले सकते हैं। और आधा कप पिस्ता लिया है, ये बिना नमक वाला पिस्ता है। और थोड़ी सी मैं रोज़ पेटल्स, गुलाब की पत्तियाँ डाल रही हूँ। मैंने गुलाब की पत्ती को सुखा के रख रखा है, मैं वो डाल रही हूँ। आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। अब इसमें 2 चम्मच खसखस डालूंगी और मैंने इलायची के दाने निकाल लिए थे, 6-7 इलायची के, वो डाल रही हूँ। और 7-8 काली मिर्च डाल रही हूँ, ये हमारे बहुत ठंडक देती है हमको। और थोड़े से केसर के थ्रेड डाल रही हूँ। अब हम इसको रोस्ट करेंगे। वैसे तो हम इसको ऐसे भी पीस सकते हैं, लेकिन रोस्ट करने से इनका मॉइस्चर निकल जाता है और ये लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होते, इसलिए मैं इनको रोस्ट कर रही हूँ। नहीं तो आप ऐसे भी पीस सकते हैं इसको। अब मैं इसमें आधा कप फेनल सीड सौंफ डाल रही हूँ, आप इसे पहले भी डाल सकते हैं। और इसे बस 1-2 मिनट ही रोस्ट करना है ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। अब हम इसे मिक्सर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे पीसेंगे। अब हमारा ठंडाई मिक्स तैयार हो गया है। हम इसको ठंडा करेंगे और हम इसे कांच के जार में स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो 3-4 महीने तक ये ख़राब नहीं होता है। और आपका जब इच्छा करे, जब आप ठंडाई बनाएं और आप आइसक्रीम, डेजर्ट, कई तरह के डेजर्ट होते हैं, उसमें ठंडाई मिक्स पाउडर डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म दूध लेंगे। ये मैंने बाउल में थोड़ा सा गर्म दूध लिया है। अब मैं इसमें 4 चम्मच ठंडाई जो मिक्स पाउडर बनाया था उसे भिगो रही हूँ। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन भिगोने से क्या होता है, क्योंकि ठंडाई की तासीर ठंडी होती है, तो हम इसे भिगो के हम इसको ठंडा तासीर कर रहे हैं, क्योंकि सारे चीज़ें गर्म हैं, इसलिए इसे भिगो के इसका पूरा, जैसे हमारी ताज़ी ठंडाई भिगो के पीसते हैं, उसका फ्लेवर देगा बिल्कुल। अब हम एक मिक्सर जार में चिल्ड दूध ले रही हूँ मैं, ये चिल्ड मिल्क है। आप 2-3 ग्लास जितना भी आप बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। और जो मैंने इसको भिगोया था केसर को, ठंडाई मिक्स को, वो डाल रही हूँ। केसर की वजह से ये येलो कलर का हो गया है, केसर भी के। यदि आपके पास केसर नहीं है तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें या तो 1/4 कप शुगर डालिए, मैं इसमें शुगर नहीं डाल रही हूँ, मैं इसे शुगर फ्री बना रही हूँ। तो मैंने 2 स्टीविया के सैचेट लिए हैं, वो डाल रही हूँ। अब इनमें से पीस लेंगे एक बार और अब हम इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। मैं इसे ग्लास में डाल रही हूँ। अब मैं इसमें कुछ रोज़ की पेटल्स ऐड कर रही हूँ और थोड़े से केसर थ्रेड्स ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे पिस्ता और बादाम से भी गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। तो आप इस होली पर ज़रूर इस ठंडाई रेसिपी को बनाएं, ट्राई करें और सबको सर्व करें। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।